हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। आज हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजन एक कलरलेस गैस है, मतलब इसका कोई कलर नहीं है, इसका कोई रंग नहीं है, ऑर्डरलेस है, इसकी कोई स्मेल नहीं है। कहीं हाइड्रोजन लीक हो रही हो तो हम लोग उसको नहीं सूंघ पाएंगे। टेस्टलेस गैस है, ठीक है, इसका कोई टेस्ट नहीं है। तो हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट जो नोटिस करने वाला है वो है हाइड्रोजन इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन इज वेरी कंबस्टिबल। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो है हम लोग इसको आज की डेट में या फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए कि बहुत अच्छा फ्यूल जो है हम लोग इसको देख रहे हैं डाइहाइड्रोजन को, क्योंकि जो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई है। कैलोरीफिक वैल्यू से मतलब है कि अगर हम 1 kg हाइड्रोजन को बर्न कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एक बहुत कंबस्टिबल गैस है। थर्ड प्रॉपर्टी जो हम लोग बात करेंगे वो है हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर। लाइटर देन एयर से मतलब क्या, एयर से जो है वो हल्की है। ठीक है, इसीलिए हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो एक पर्टिकुलर हाइट तक जहाँ पे इंसान सांस ले रहे हैं, पेड़ पौधे सांस ले रहे हैं, वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, वहाँ पे कौन कौन सी मेजोरिटी गैसेज हैं? हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये मेजोरिटी गैसेज अवेलेबल हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा लाइटर है। वैसे भी देखा जाए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 1 है, H2 अगर हम डाइहाइड्रोजन की बात करें तो उसका एटॉमिक मास जो है वो 2 है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच आर हैविंग अ मास ऑफ 32 g/mol एंड 44 g/mol। जो हाइड्रोजन H2 है वो बहुत ज़्यादा लाइटर। ठीक है, तो इसलिए ये अपर एटमॉस्फेयर में जो है वो ज्यादा मिलती है, लोअर एटमॉस्फेयर वाले जो यहां वाला रीजन है वहां पे जो है वो हाइड्रोजन की प्रेजेंस जो है वो बहुत कम है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोजन जो है वो इनसॉल्यूबल है वाटर के अंदर, मतलब पानी में हाइड्रोजन जो है वो नहीं घुलती। ठीक है, इनसॉल्युबिलिटी से मतलब यहां पर हम लोग ये बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ 2% सॉल्यूबल है 0°C पे। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं 100 वॉल्यूम ऑफ वाटर लूं तो उसमें जो है वो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन कैन बी 2 volume ओनली। 100 वॉल्यूम ऑफ वाटर के अंदर सिर्फ 2 volume जो है वो हाइड्रोजन के हमारे पास सॉल्युबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सबको समझ में आ गया कि 0°C पे जो है वो बहुत ज़्यादा कम इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विल डिक्रीज, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो है ये गैस बहुत कम जो है वो सॉल्युबल है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें हाइड्रोजन इज डाई एटॉमिक इन नेचर। ठीक है, ये सब लोगों को मुझे लगता है मालूम चल गया होगा कि डाई एटॉमिक से मतलब क्या है, कि हाइड्रोजन अपनी एटॉमिक स्टेट जो है वो H2 की फॉर्म में जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को नोटिस करना है, क्या मेन पॉइंट है जिसके ऊपर जो है वो कैटलिस्ट बेस्ड है। ठीक है, ये क्या पॉइंट है, सर्टेन मेटल्स लाइक पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल, कोबाल्ट, आयरन। ठीक है, ये 5 metals हैं यहाँ पे जो मैंशनड हैं। कौन कौन से, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, ये अपने सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब एंड एड्जॉर्ब जो है वो कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर मैं पैलेडियम का सरफेस देखूं तो उसके सरफेस पे जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं, इंटरएटॉमिक स्पेसेस हैं, उन इंटरएटॉमिक स्पेसेस के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो है वो स्टोर हो सकती है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस जो क्लास 10th में आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, वो कौन कौन सी, कि एक हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन थी, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर रहे थे। किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट कर रहे थे, या पैलेडियम यूज़ कर रहे थे, या निकल यूज़ कर रहे थे, या प्लेटिनम यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो ये यूजुअली जो है हाइड्रोजन्स को अपने सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब कर लेते हैं, तो एज ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन जो है हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गैसेस की रिएक्शंस करवाना यूजुअली वेरी डिफिकल्ट है, हम लोगों को एक ऐसा सरफेस चाहिए जो गैस को भी एड्जॉर्ब कर ले और जो रिएक्टेंट हमारा उसको एड्जॉर्ब करके एक पर्टिकुलर मीडियम प्रोवाइड करे। ठीक है, तो इसलिए जो पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है वो
कैटलिस्ट्स का जो है वो काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी है किसकी, हाइड्रोजन की, कि वो इन मेटल्स के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो होप आपको ये चारों पांचों पॉइंट्स जो है वो समझ में आ गए हैं कि कलरलेस, ऑडरलेस, टेस्टलेस, कम्बस्टिबल है, लाइटर देन एयर है, एयर से हल्की है, इनसॉल्युबल है वाटर में, सिर्फ 2% डायटोमिक है, और इन पर्टिकुलर मेंशनड मेटल्स को अपने सरफेस पे, जो इनके सरफेस पे हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में एड्सॉर्ब हो सकती है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट अगर नोटिस करें वो इसी पॉइंट से कोरिलेटेड है। ठीक है, बस एक फैक्ट है सिंपल जो आपको जानना है। इधर फोकस करें अगर हम तो देखें, पैलेडियम कैन एब्जॉर्ब 1000 times ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब क्या है इसका कहने का, कि अगर हम लोग पैलेडियम मेटल की बात करें तो पैलेडियम के सरफेस पे 1000 times 1000 times 1000 times जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन का, हम उसके सरफेस पे जो है वो एड्सॉर्ब करवा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग मान लो 1 gram या कुछ 1 cm³ का पीस लें, किसका, पैलेडियम का, तो उसके ऊपर जो है वो 1000 cm³ ऑफ गैस जो है वो एड्सॉर्ब हो सकती है। तो बहुत मेजोरिटी पॉइंट है जो कि इसको बहुत परफेक्ट कैटलिस्ट की फॉर्म में जो है हम लोग यूज करने के लिए देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आपको समझना होगा कि जो भी हाइड्रोजन इन मेटल सरफेसेस के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रही है उसको हम लोग ऑक्लूडेड हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो एड्सॉर्ब हाइड्रोजन है दैट इज मोर एक्टिव। एक्टिव से मतलब क्या है कि वो उसकी एनर्जी जो है एक सर्टेन एनर्जी से ज्यादा होती है, वो इजिली जो है रिएक्टेंट्स के साथ रिएक्ट कर सकती है। ऐसी हाइड्रोजन को हम लोग को क्या बोलते हैं, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन जो है वो बोलते हैं। ठीक है, होप आपको ये जो बहुत सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज थी आपको सब समझ में आ गई हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट के थ्रू जो है वो जान सकते हैं। ठीक है, बाकी लाइक और सब्सक्राइब हम लोगों को करते रहें। मैं गगनदीप उदावन फ्रॉम डिक्की इंस्टीट्यूट शावद मारकंडा, मेरे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।